सियासी संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल ने कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर बीजेपी कई तरह के दावे कर रही है। दावों के बीच में संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ गया है। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है, हमारी पार्टी फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देगी। फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संजय राउत ने कहा, मैं राज्यपाल का आदर करता हूं, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर संजय राउत ने कहा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस तरह से विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक है। आने वाले दो कल मुंबई में हैं, पर्यटन गोवा में खत्म होगा, गोवा से मुंबई में आना होगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, 7 निर्दलीय विधायकों ने मुझे चिट्ठी लिखकर कहा है कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है। 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट के लिए सदन बुलाई जाए, साथ ही विधान भवन के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां हमारे देश में उड़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।